अरे हटो भाई, आने दो। जिसके जिसके चलते ही व्यवस्थाएं बिगड़ी थी। समाजवादी पार्टी ने अगर काम न किया होता तो देश के प्रधानमंत्री हरकुलस हवाई जहाज से सड़क पर नहीं उतर पाते। सर क्या लग रहा है कि बीजेपी के नेता दलाली कर रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं? वही मैं ताज्जुब करता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जब जनप्रतिनिधियों की बैठक की तो उन्होंने कहा कि दलाली बंद करो, अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर ये आरोप मुख्यमंत्री जी ने लगाए हैं। अरे क्या लग रहा है कि जिस तरीके से आजम खान बोल नहीं रहे, आप कभी भी समाजवादी पार्टी से कोई बात ही आजम खान ने सीधे आकर बोला है, आप बोल नहीं रहे, क्यों नहीं? आदरणीय आजम खान साहब के साथ समाजवादी पार्टी है और लगातार जो भी सहयोग जो भी मदद हो सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से, लीगल या किसी भी तरह की मदद समाजवादी पार्टी करेगी। देखिए वो कोई सवाल नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वो अपनी पार्टी का विस्तार करना चाहें या संगठन बनाना चाहें ये उनके पर निर्भर करता है। सर क्या लग रहा है कि जो सारे मुद्दे आपने बताए हैं, जानबूझ करके कभी ताजमहल का सवाल, कभी आपकी मस्जिद का सवाल, ये बीजेपी के लोग उठाते हैं। इस देश का संविधान, इस देश का कानून फैसला करे, और स्पॉन्सर करके चलाते हैं बीजेपी के लोग, स्पॉन्सर करते हैं कि कौन झगड़ा लगा सकता है, उनको आगे बढ़ाइए। लगातार हमलावर है समाजवादी पार्टी पर, तो उन्हें सफाई में समाजवादी पार्टी के सरकार में सफाई में डांस कार्यक्रम होता था, बीजेपी के सरकार में विकास के कार्य हो रहे हैं। मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को, यार कहें आप भी नहीं समझते बीजेपी की चाल। बीजेपी की चाल ये है कि जो भी कोई पिछड़ा हो पिछड़ा पिछड़े से बोले, इसीलिए तो वो पिछड़े हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा पिछड़ों के सब अधिकार छिन गए, पिछड़ों की नौकरियां छिन गईं, और जो पिछड़ों को अधिकार या दलितों को अधिकार मिलने थे, मुस्लिम भाइयों को अधिकार मिलने थे, वो नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार जनता ने दी है बना करके, जनता ने दोबारा सरकार बना दी, और अगर दोबारा सरकार बना दी तो डीजल पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा वो नहीं याद आएगा उनको, उन्हें सैफ ही याद आ रही है। देखिए ये मैं तो कहूँगा कि सरकार के लोगों को भी जाना चाहिए वहाँ, कम से कम इनके जो प्रभारी मंत्री, भरा हुआ ट्रक पकड़ा था, हालांकि इन्होंने नहीं पकड़ा था, इनको जानकारी मिली कि ईवीएम जा रही हैं और रूमर ये था कि ईवीएम बदली जाएंगी। ये समाजवादी साथी लोकतंत्र बचाने के लिए जेल में गए हैं, समाजवादी लोग इनकी पूरी मदद करेंगे, जो भी लीगल मदद होगी पूरी मदद करेंगे इनकी और इनके परिवार के लोगों की। सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन के बाकायदा नियम थे कि किन नियमों को लेकर के और किन नियमों से ईवीएम जाएंगी एक जगह से दूसरी जगह तक, और जिस समय इन नौजवानों ने और समाजवादी पार्टी और तमाम संगठनों ने आवाज़ उठाई थी, उस समय इलेक्शन कमीशन ने भी स्वीकार किया था कि गलती हुई है, और उस समय के वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात भी की गई थी, क्योंकि ईवीएम का एक जगह से और दूसरी जगह तक जाने के लिए उसके नियम हैं। जब तक आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनको नहीं बताएंगे, तब तक आप ईवीएम का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेंगे, उनकी जानकारी के बिना ईवीएम्स को नहीं कर सकते। उस समय भी अधिकारियों पर कार्रवाई करने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने लिया था, ऑब्जर्वर भी दूसरी जगह से आए थे। ये निर्दोष लोग हैं, और न केवल ये निर्दोष लोग हैं, प्रशासन ने 600 से ज़्यादा लोगों के नाम अज्ञात में डाले हैं, और अज्ञात में इसलिए डाले हैं कि किसी भी समाजवादी साथी को परेशान किया जा सके। इस सरकार में जात के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तमाम नौजवान समाजवादी जो रोजे पर थे
उन्हें सरकार के इशारे पर उठा करके बंद किया है, उनकी ईद भी यहाँ मनी है। ये दुख की बात है कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। और जहाँ मैं चंदौली में गया था, कोई कल्पना कर सकता है आज पुलिस पर कि पुलिस ये अन्याय करेगी? नहीं, राम राज्य है क्या? पुलिस दबिश के बहाने जाए और बेटी की जान ले ले, यही राम राज्य है? बैंकों में डकैती हो रही, यही राम राज्य है? कस्टोडियल डेस्क सबसे ज़्यादा बीजेपी के सरकार में, यही राम राज्य है क्या? इलेक्शन खत्म हो गया, अलग जगह है, लेकिन लोगों को परेशान करने का काम इस सरकार में हो रहा है। क्या कहेंगे? ज्ञान बाबी वाले मुद्दे पे क्या कहेंगे? देखिए, जो ज्ञान बाबी मस्जिद का सवाल है, समाजवादी साथी को परेशान किया जा सके, इस सरकार में जात के आधार पर और धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तमाम नौजवान समाजवादी जो रोजे पर थे, उन्हें सरकार के इशारे पर उठा करके बंद किया है, उनकी ईद भी यहाँ मनी है। ये दुख की बात है कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। और जहाँ मैं चंदौली में गया था, कोई कल्पना कर सकता है आज पुलिस पर कि पुलिस ये अन्याय करेगी? दबिश के बहाने दबंग बन करके दिखाएंगे? ये पुलिस को किसने अधिकार दिया है कि आप घर में मारपीट करेंगे? किस कायदे कानून में आपको ये अधिकार है कि आप जाकर के बेटियों को मारेंगे पीटेंगे? और पुलिस की पिटाई की वजह से ही बेटी की जान गई है। पुलिस को 302 के अंदर बंद करना चाहिए मुकदमा लगा करके। 302 की धारा में पुलिस को जेल भेजना चाहिए। और फिर आपने तो मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट पढ़ लिया होगा, उन्होंने अपने ही नेताओं कार्यकर्ताओं को कहा कि दलाली छोड़ दें और अधिकारियों को मैं सुधार दूंगा। बताओ, दूसरी बार जनता ने भरोसा जता करके बहुमत ले लिया हो जिन्होंने, वो सरकार के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के या जनप्रतिनिधि लोग दलाली ना करें और अधिकारियों को वो सुधार देंगे। क्या दलाली करना ही राम राज्य है? क्या थाने में बलात्कार होना ही राम राज्य है? क्या पुलिस दबिश के बहाने जाए और बेटी की जान ले ले, यही राम राज्य है? बैंकों में डकैती हो रही, यही राम राज्य है? कस्टोडियल डेस्क सबसे ज्यादा बीजेपी के सरकार में, यही राम राज्य है क्या? इलेक्शन खत्म हो गया, अलग जगह है, लेकिन लोगों को परेशान करने का काम इस सरकार में हो रहा है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।